नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज की सबसे दुखद घटना यह है कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं रही। इस घटना से पूरे देश की आंखें नम हैं। सारे देश में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता और प्रदेश विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालत में उन्हें रात 9 बजे एम्स लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके घर पहुंच श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही लोग उनके निवास पर अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा गया है पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी सुषमा स्वराज को उनके घर पर पहुंच श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज के निधन पर भावुक हुए अडवाणी। राज्यसभा में भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुषमा के निधन पर शोक पत्र पढ़ा और बाद में 2 मिनट का मौन रखा गया। सुषमा स्वराज के वो भाषण जिससे दुनिया में बड़ा भारत का मान। सुषमा स्वराज एक कुशल प्रशासक और नेता तो थी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रखर और ओजस्वी वक्ता के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्हें बीजेपी का सबसे प्रखर वक्ता माना जाता था। देश और विदेश में दिए उनके भाषण अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही कुछ भाषणों को आप यहाँ देख सकते हैं, जिनकी वजह से तमाम लोगों के दिलों में वह हमेशा जीवित रहेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आई, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सुषमा स्वराज को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को अब से कुछ देर में भाजपा मुख्यालय में लाया जाएगा। बीजेपी प्रमुख अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भारत में इसराइल के अम्बेडकर ने भी सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन के लिए उन्होंने सुषमा को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सुषमा स्वराज के घर पर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी के असमय निधन से हर कोई दुखी है। भाजपा का हर कार्यकर्ता आज उन्हें याद कर रहा है और दुखी है। शाह ने कहा कि सुषमा ने देश की ख्याति बढ़ाने का काम किया है।
लाहौर से नाता, आपातकाल में वकील दोस्त से शादी, सुषमा के जीवन के 21 पड़ाव, पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रही। सुषमा स्वराज के निधन की खबर से पूरा देश दुखी है। सुषमा स्वराज ने अपनी जीवन यात्रा में तमाम ऐसे मुकाम हासिल किए जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। सुषमा जी के असामयिक निधन से मैं खुद और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश में उनको उनके करोड़ों चाहने वाले क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नब की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिग्दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्वगण और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सभी अत्यंत दुख के साथ सुषमा जी को विदाई लेने के लिए अपना मन तैयार कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं उनके परिवारजनों को ये आघात को सहन करने की शक्ति दे और स्वर्गीय सुषमा जी की आत्मा को चीर शांति प्रदान करे और देश उनकी सेवाओं को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। अमित शाह सियासी सफर में ऊंचाइयां चढ़ते हुए उन्होंने अपने निजी जीवन को भी बखूबी संजोया। आइए जानते हैं उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके निवास पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज के कार्यक्रम को रद्द कर दिए और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सुषमा के घर पहुंच श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। सुषमा के निधन के शोक में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा अडवाणी भी साथ रही। भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण अडवाणी भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। अडवाणी ने इससे पहले एक बयान जारी कर दुखद व्यक्त किया था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव भावुक हो गए। सुषमा के पति स्वराज से मिलते वक्त वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। भावुक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज के घर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आज सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। इस दौरान सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन कर प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि 9 बार सांसद रह चुकी सुषमा स्वराज आम लोगों में अपार लोकप्रिय थी। सुषमा स्वराज जी दिल्ली की सन 1977 में सबसे कम उम्र की राज्य मंत्री बनी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। सुषमा स्वराज 3 साल तक राज्य की प्रवक्ता रही है। राजनीति में आने के बाद सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की पहले राष्ट्रीय मंत्री बनी। इसके बाद वो भाजपा की पहली महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनी। वे कैबिनेट में भाजपा की पहली महिला मंत्री थी। सुषमा स्वराज भारत की संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान पाने वाली महिला है।
इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली की वो पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। स्वराज को देश की पहली महिला विदेश मंत्री होने का गर्व भी प्राप्त है। यकीन करना मुश्किल होता है कि उस दौर में जब कई महिलाएं अपने अस्तित्व अधिकारों से भी अनजान थी, उस दौर में सुषमा स्वराज जैसी महिलाएं भी थी जिन्होंने राजनीतिक बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी राजनीति में कदम रखा और राजनीति में लगातार सक्रिय बनी रही। राजनीति के क्षेत्र में पहली महिला मुख्यमंत्री से लेकर पहली महिला विदेश मंत्री तक उन्होंने हर रिकॉर्ड को ना केवल अपना नाम किया बल्कि महिलाओं को राजनीति में आकर देश बदलने के लिए भी प्रेरित किया। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन एक समय था जब महिलाओं को घर बाहर तक जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन कहते हैं बदलाव जरूर आता है। आज महिलाएं घर के साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दे रही है। भारत की राजनीति में भी महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। जिन महिलाओं को घर की लड़ाई में नहीं भेजा जाता था उन्हें विदेश जाना तो दूर, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, वो देश संभाल रही है। और इसे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है हमारे बीच। आज हमारे देश की रक्षा मंत्री की एक महिला थी जो विदेश मंत्री भी महिला थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी। सुषमा स्वराज उन चंद महिलाओं में से एक थी जिन्होंने घर और देश की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, साथ ही महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 में अंबाला में हुआ था। सुषमा स्वराज के पिता श्री हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे, जिस वजह से सुषमा स्वराज ने अपने आसपास संघ और राजनीति का असर शुरू से देखा। हालांकि सुषमा स्वराज ने अपने पिता से अलग अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और मंत्री भी बनी। एक इतनी कम उम्र में हरियाणा जैसे राज्य में मंत्री का पद ग्रहण कर सकना, ये अपने आप में उनकी योग्यता का प्रमाण था। मैं उनको तभी से जानता, तो लगभग आप इस समय 40-42 साल से मैं उनको नजदीक से देखता रहा। उनमें बहुत प्रतिभाएं थी, बहुत गहरी समझ थी चीज़ों की, और सबसे बड़ी बात यह कि वो हर्बल अजीज बन गई थी। वो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही, पार्टी की प्रवक्ता रही और विभिन्न जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया। प्रतिपक्ष की नेता रही और उस सारे कार्यकाल में उन्होंने अपना व्यक्तित्व एक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सार्वजनिक और सार्वभौमिक राजनीति की तरफ विकसित कर लिया था। तो आज भी आप देखते हैं कि उनके प्रति विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की एक हार्दिक श्रद्धांजलि आई है, इसमें बनावट नहीं है। उन्होंने देश की डिप्लोमेसी को, जैसे वैसे कूटनीति कहा जाता है, पर उन्होंने उसे केवल विदेशों तक सीमित नहीं रखा, आम आदमी के साथ जोड़ दिया। और बहुत सी ऐसी बातें जो विदेशों में हमारे भारतीय नागरिकों को तकलीफ देती थी उसका उन्होंने निराकरण किया। किसी ने उनको चिट्ठी भी लिख दी या ट्वीट भी कर दिया तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया, ये बड़ी बात। तो इसलिए सुषमा जी ने अपना एक विशेष स्थान बनाया और भारतीय महिला किस प्रकार अपनी योग्यता, कुशलता, परिश्रम से पुरुषों से भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ सकती है, इसका एक उन्होंने नमूना पेश किया। मुझे उनसे बहुत आशाएं थी, तो बहुत जल्दी चली गई। राजनीति में 67 साल की आयु को मायने नहीं रखती है। मैं अभी समझता था कि थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगी तो अभी देश को उनकी आवश्यकता है, वो उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य की खराबी के कारण उन्होंने अपने आप को चुनावी राजनीति से अलग किया। मगर ये कोई नहीं जानता था कि वो इतनी जल्दी हमसे अलग हो जाएंगी। ये एक अभाव है, एक रिक्ति है जिसको हमारे जैसे लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें आगे आते बढ़ते
और उनको आगे बढ़ाने में मदद करने वाले लोगों में से हम लोग थे, अडवाणी जी, मैं, अटल जी, चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इन सब लोगों के सहयोग से वो उन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां की और साबित किया कि वो राजनीति में एक विशेष स्थान रखने के लिए आगे आई हैं, आगे बढ़ेंगी। शायद विधाता को भी मंजूर नहीं था। देश में चलती आई के खिलाफ एक लोगों को जागृत किया, एक पूरा आंदोलन खड़े किया। आप किस तरीके से उनके योगदान को देखते हैं पार्टी के प्रति? और हर कई दृष्टियों से उनका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा, प्रवक्ता के नाते, नेता प्रतिपक्ष के नाते, महिलाओं की अध्यक्षता के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते, विदेश मंत्री के नाते, मैंने विभिन्न पहलुओं में राजनीति के उन्होंने विभिन्न अंगों में विभिन्न दिशाओं में भरपूर योगदान किया है। तो ये कोई ऐसा सामान्य योगदान नहीं है, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था और जिसमें बड़ी संजीदगी, व्यवहार कुशलता, आत्मीयता सब भरी हुई थी। और हमें जो नुकसान हुआ है पार्टी को या देश को, उसके साथ साथ मेरे जैसे व्यक्तियों का बहुत निजी नुकसान हुआ है, उनसे और उनके पति से, उनकी पुत्री से बहुत निकट के संबंध हमेशा रहे हैं, एक परिवार के नाते रहे हैं। तो हमें तो उनका अभाव बहुत देर तक पूरा करना मुश्किल होगा। आखिरी सवाल, कोई व्यक्तिगत आपको कोई ऐसा लम्हा? श्रीमती सुषमा स्वराज जी डिमाइस हैज मेड मी वेरी वेरी सैड बिकॉज आई हैड अ वेरी इंटीमेट लव एंड अफेक्शन विद हर। शी इज अ आइडियल इंडियन वुमन एंड नॉट ओनली दैट, वेरी स्वीट, सॉफ्ट स्पोकन एंड इंप्रेसिव many crores of people in the country, and she was the first woman parliamentarian in the India, and also she is very dedicated lady, commitment, because her last tweet night when this Kashmir amendment bill has been passed, she said, "This is my last in my life, is a very last glorious moment," and she has congratulated Honorable Prime Minister. So that means her commitment towards nationalism, her commitment towards the development, and very, very high. When I was Urban Development Minister, she was a Health Minister. When I went there to issue about the aims to Telangana, she said, "Now it is very difficult, but I will, instead of AIMS, I will help you NIMS." And she immediately sanctioned 100 crores rupees to that NIMS Institute. Now that NIMS Institute has been now converted in Bibinagar as a AIMS. So that Telangana, she has got a very affectionate towards Telangana. So that's why, very memorable lady, and very highly qualified lady, and each and everything, crores of people, and particularly our speeches in the parliament, very, very impressive and very, very convincing. So that type of a Sushma Swaraj, she has lost to her, it has great loss to the nation, and also big loss to the national thinking people, and also very, very sad to be Bharatiya Janata Party. मैं सबसे जुड़ी रहूंगी, ये धरती छोड़कर गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर ही रहेंगी। उनका जो स्वरूप था दूसरे का कल्याण करने का, और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति उनका श्रद्धा था, प्रेम था, उनमें एक आत्मविश्वास था, और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत से करती थी और हम लोग को शिक्षा देती रहती थी।
अंतिम टाइम मुलाकात हुई, आए थे मिलने के लिए जब वो अपने वहाँ पर थी। यहाँ पर आई तो मैं कई सांसदों को कही थी कि चलो बहुत मिलने का मन कर रहा है, लेकिन ड्यूटी इतनी कड़ी थी कि हम लोग हमेशा हाउस में मौजूद रहते थे। बार बार इच्छा होती थी, मैं कई सांसदों को कही कि एक बार चलते हैं मिलने के लिए। बहुत बहुत उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ मुझे हेल्प की, उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ मगर मुझे इतनी तारीखवार बातें याद नहीं रहती, मगर उसको रहती थी और इंसिडेंसेस भी बताती थी, तो ऐसे बताती थी किसी विषय का अभ्यास भी इतना माइन्यूट करके आती थी कि पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग सामने वाले भी सुनते थे, और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज़ है, ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से जिसको हम कहते हैं ऐसा वो बोलती थी। हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है जब वो निधन का समाचार मिला, और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनके पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था, किसी से वो चाहे वो अपोजिशन के लोगों सबके साथ वो मिक्स रहती थी, और तथ्यों के आधार पर, मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी को बड़ा दुख है, ऐसे दुख की लॉस नॉट जस्ट फॉर द नेशन बट इवन अस एज अ फैमिली। शी इज बीन समबडी वेरी क्लोज टू अस, अ गाइड, अ मेंटर, somebody we all look up to. You have any memory that you would like to share with us? It was always a smile on her face. It was always something pleasant and happy about her whenever you met. ये देश के लिए सबके लिए बहुत दुख का विषय है, और सबके लिए वो इंस्पिरेशन थी, और सबको दुख फैमिली के लिए सब कॉन्डोलेंसेज ही देने आ रहे हैं, और सबके मन में उनके प्रति बहुत ही आदर है और सत्कार है, और जो घटना हुई अब आई है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ईश्वर उनकी बेटी को, पति, सबको, परिवार को सांत्वना देने के लिए सब लोग आए हैं, और ईश्वर मदद करे उन सबके। उनका खासा स्नेह था और बहुत अच्छे से मिलती थी जब भी, और हमेशा अच्छी बात ही कहने के लिए, तो मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत स्नेह है, और उनको मैं याद करती हूँ तो बहुत मान सम्मान के साथ याद करती हूँ। मेरे जैसे कई युवाओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, बहुत बड़ा योगदान उनका भारतीय राजनीति में और समाज के लिए। इंडिया मोस्ट लव्ड फॉरेन मिनिस्टर इफ आई हैव टू से, जो उन्होंने अपने एक फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया है देश याद करता है, जो एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने काम किया है वो कार्यकाल भी मुझे याद है, जैसे हमने उनके साथ मिलकर काम किया है। विश्वास नहीं होता सुषमा जी हमारे बीच में। अब एक निदारण दुख हमारे ऊपर आ गया है, और माननीय सुषमा जी जो भारतीय राजनीति में एक मूर्धन्य तारका है, जिन्होंने देश और विदेश में पार्टी के लिए, देश के लिए अनेक गौरव लाई है, उनका निधन का दुखद समाचार पाकर के पूरा राष्ट्र मर्माहत हो गया है। ये क्षति भरपाई होना असंभव है, और हम उनका आत्मा का सदगति कामना करते हैं, और उनका परिवार को ये दुख को सहन करने का सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सुषमा जी के जाने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम
पार्टी में भी और हमारे सब लोगों के जो उनके करीब थे उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं सुषमा स्वराज जी के राजनीतिक सफर पर। सुषमा का राजनीतिक सफर, उनका जन्म। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।